पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उन्हीं को मानना बहुत जरूरी है। चुनिए जो मूर्त आपकी आत्मा को परमात्मा की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसको मानिए। बड़े प्यार से, प्रेम प्यार, आज मैंने सुबह आपके सामने विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी, प्रेम विनय प्रेम दो लक्षण मैंने आपको आपके सामने रखे जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें हमारे पास नहीं है, विनय और प्रेम, तो हमारा जीवन बेकार चला जाता है। कोई भी चीज में सफलता हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, किसी भी चीज में, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, कर ही नहीं सकते। बहुत जरूरी है। अगर किसी के सामने जाएंगे विनय से नहीं, दूसरे भाव से, तो आपका रिफ्लेक्शन दूसरे सज्जन पर पड़ेगा और आपका काम नहीं होगा किसी हालत में। प्रेम, जब तक प्रेम नहीं होगा ना तो घर में आपको सफलता मिलेगी, घर आपका अखाड़ा बन के रह जाएगा। अगर सारे प्रेम का पालन न करने वाले हुए तो बहुत जरूरी है दो चीजें, विनय और प्रेम। बड़े प्यार से अपने इष्ट के को मानिए, अपने इष्ट को जानिए, अपने इष्ट को मानने की कोशिश करें। एक इष्ट, जितने हमारे संत महात्मा हुए, जितने पंथ हुए, चाहे गुरु नानक देव को देखिए, संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सभी एक इष्ट को मानने वाले थे। एक इष्ट की पूजा, एक इष्ट की आराधना। तभी आप इस चीज में, पूजा में ऊपर उठ पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूजा करने की बहुत तरीके हैं जो चल रहे हैं। पहला, शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, सूरज को अर्घ चढ़ाना, कीर्तन करना, भागवत करना, सुनना, ये भी पूजा है, पूजा का तरीका है। शारीरिक पूजा है, अगरबत्ती जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, उसके बाद आप जो है दिया जलाइए, भगवान जी को नहलाइए, पोशाक पहनाइए, तरह तरह के प्यार से लेके आइए बाजार से, बाल भगवान के
उनको नहलाइए, उनकी सेवा कीजिए, ये भी पूजा का तरीका है, शारीरिक पूजा। शरीर हमारा पूजा में लगा हुआ है पर मन हमारा स्थिर नहीं है। मन अभी बच्चों में है पूजा करते हुए, अभी संसार में है, अभी किचन में है, अभी घर में है, थोड़ा आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, मानसिक पूजा, ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, थोड़ा आगे बढ़े। एक इष्ट की उपासना, ये नहीं कि आज हनुमान जी की पूजा करें, कर किसके परसों माँ की, एक इष्ट की उपासना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चार विशेष बात बतलाई, पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य अभ्यास। अगर एक इष्ट को अगर सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्ची चैतन्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक इष्ट की उपासना करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के साथ साथ हमारे सदगुरुओं ने, बुजुर्गों ने एक इष्ट का नाम अपने रूटीन में जोड़ने का रास्ता बताया, और वो भी वो जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो, नाम, शक्ल, सूरत बनाए। यह दूसरे तरीके की पूजा है, ध्यान, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने इष्ट को चुने, बड़े प्यार से बैठिए, धूप बत्ती जलाएं और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, बाय थॉट, थॉट प्रोसेस से, ऊपरी मन के साथ साथ थॉट प्रोसेस क्या होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा पूजा के अंदर, मन बढ़ेगा, बार बार किसी चीज को याद करते जाएंगे तो हमारे बॉडी की एक क्वालिटी है, जिस चीज को बार बार याद करते चले जाते हैं वो गहरी और गहरी और गहरी होती चली जाती है। नहीं याद करते हुए भी एक समय ऐसा आता है कि वो चीज अपने आप सामने आती चली जाती है। जब भी आप खाली होंगे फौरन आपके इष्ट की याद आएगी, काम करते होंगे तो काम करेंगे, जैसे ही खाली होंगे अपने इष्ट की याद करेंगे। और बढ़ाते हैं इसको आगे, जैसे जैसे समय खाली हम परमात्मा की याद में देते चले जाते हैं, शरीर का हर हर हिस्सा आपका राम नाम में डूबता चला जाता है, और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि हम पूर्णता उसी नाम में, उसी शक्ति में लय हो जाते हैं। तो अभी एक भजन होगा, अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे, भजन कहेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे,
ओंकार प्रधान रूप गणेश से अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु मकार महेश्वर जानिए ओंकार प्रधान रूप गणेश से ओंकार प्रधान रूप गणेश से ऐसे तीन ही देव जेथुनी उत्पन्न ऐसे तीन ही देव जेथुनी उत्पन्न तो हा गजन प्रधान रूप गणेश से ओंकार प्रधान रूप गणेश से तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी पहावी पुराणी व्यासाची पहावी पुराणी व्यासाची ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे रूप गणेशाचे रूप गणेशा
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।